जम्मू से कश्मीर तक आतंक पर चोट, सेना की सतर्कता से साजिशें नाकाम, 24 घंटे में 3 आतंकी ढेर। ये वो आईडी था जिसको आतंकियों ने प्लांट किया था। इससे बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसका पता लगा लिया। आईडी को पंजग्रेन नगरोटा में प्लांट किया गया था, जिसके बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर नष्ट कर दिया। तकरीबन 10 बजे की बात है, 10-10-10-20 की, तो अपन ढूंढ रहे थे, 15-20 मिनट लगे हमें, फिर हमें बीडीएस स्क्वाड मंगवाया था, फॉलोड बाय स्नाइपर डॉग्स। उस स्नाइपर डॉग ने यहाँ पे जब हम घुमा रहे थे तो उसने यहाँ पे आके अपनी आईडी मिली। जी, कितनी आईडी थी? एक आईडी डिफ्यूज कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो जम्मू कश्मीर हाईवे पर बड़ा हमला हो जाता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू जिले के नगरोटा इलाके में और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही एक आईडी मिली है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि जो आईडी का वजन था लगभग 2.5 किलोग्राम था, और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से कुछ जेनेरिक इनपुट्स थे, यानी कि पहले से कुछ इनपुट्स थे कि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई आईडी आतंकियों ने प्लांट की है और उसका विस्फोट किया जा सकता था। लेकिन समय रहते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चलाया और गहन तलाशी अभियान के बाद यहाँ पर आईडी मिली। उस आईडी को अब यहाँ पर सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है डिफ्यूज कर दिया है और एक बहुत बड़ी जो आतंकी वारदात हो सकती थी उसको टाल दिया गया है, यानी कि आतंकियों के जो काले मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और अभी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अभी भी एहतियातन यहाँ पर जगह जगह जो है तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई और कोई आईडी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है कि अभी दूसरी कोई आईडी नहीं मिली है, मात्र एक आईडी मिली है और उसको भी सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया है। तो वहीं आज सुबह पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसकी पहचान उजागर नहीं की गई, लेकिन यह आतंकी टॉप कमांडर बताया जा रहा। इसके अलावा बालाकोट में भी घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई, 2 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया। सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की। आतंकियों से पाक की दवाएं मिली, यह आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार थे। खैर, हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर किया। पुलिस और सेना की सतर्कता से पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा। आपका क्या कुछ कहना? इन आतंकियों को जिस तरह से सेना जहन्नुम का रास्ता दिखा रही उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।